Hello, dear students, welcome back to the channel of Dr. Gaurav Verma. It is our second lecture on the chapter Indeterminate Forms. वो जो इस सेकेंड लेक्चर में हमने टाइप टू की प्रॉब्लम्स करनी है, किस तरह की प्रॉब्लम्स करनी है बेटा, आप लोगों ने पिछले लेक्चर में जीरो बाय जीरो फॉर्म के क्वेश्चन किए, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी जीरो बाय जीरो फॉर्म में, आपने कौन सा रूल यूज किया? एल हॉस्पिटल रूल यूज किया गया। तो क्या इसका वे होता था कि ऊपर वाले का आपने डेरिवेटिव लग करना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव लग करना है, इस तरह बार बार डिफरेंशिएट करते जाते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरह जो हमारी सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम्स है, इसमें क्या होएगा, ऊपर आपका इन्फिनिटी बन रहा होगा और नीचे भी आपका इन्फिनिटी बन रहा होगा। इट इज बेसिकली ऑफ टाइप इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी टाइप। अगर ऊपर भी इन्फिनिटी बनता है, नीचे भी इन्फिनिटी बनता है, देन यू हैव आल्सो अप्लाई टू एल हॉस्पिटल रूल। तो भी आपने सभी क्वेश्चंस को एल हॉस्पिटल रूल से करना है। और क्या तरीका रहेगा कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग करोगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग करोगे, जब तक उसका आंसर नहीं आ जाता। ठीक है जी, तो नाउ वी हैव टू डू द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसका भी यही मतलब है, अगर ऊपर वाले की लिमिट a डालने पर इन्फिनिटी बन जाए, नीचे वाले की भी लिमिट इन्फिनिटी बन जाए, उस पूरे क्वेश्चन की जो लिमिट निकालने का तरीका क्या है, ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव कर दीजिए, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव कर दीजिए। ओके, इन दिस वे वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल टू दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, x गोज टू 0, log sin 0 cot 0। अब कुछ बातें यहां पे नोट करनी पड़ेगी, जो log 0 होता है उसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है, इट कैन नॉट बी डिफाइंड। तो cot 0 भी इंफिनिटी होता है, तो इट इज ऑफ टाइप इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी। तो आपको क्या तरीका बताया गया, डेरिवेटिव करना है आपने यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। ऊपर वाले का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1 / sin x, sin का डेरिवेटिव cos x, cot का डेरिवेटिव क्या होता है, cosecant square x। तो जो cosecant square आप उसको लिख लीजिए 1 / sin square, ऊपर तक वो sin से कट के आपको कितना दे देगा। Then you have to apply the limit x goes to 0, sin 0, 0, cos 0, 1. तो आपका आंसर 0 आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन व्हेन वी पुट लिमिट 0, log 0 इज इन्फिनिटी, cot 0 इज आल्सो इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। नाउ व्हेन वी डिफरेंशिएट, व्हाट विल बी डेरिवेटिव, log 1 बाय x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ इनर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, इसी तरह cot का डेरिवेटिव माइनस cosecant x स्क्वायर, और बीच वाले x का डेरिवेटिव आ गया 2x। ठीक है जी, तो एक x इससे कट जाएगा, तो सिंपलीफाई करके ये कुछ सीकर को उसमें ऊपर लेके sin x स्क्वायर बना लिया। ठीक है, तो sin x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, बेसिकली इट इज sin थीटा अपॉन थीटा, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 होती है, तो डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हो -1, नहीं तो आप दोबारा इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। जब 0 पुट करोगे इट इज 0 / 0 फॉर्म। तो ये जरूरी नहीं कि इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म में हमेशा इनफिनिटी बाय इनफिनिटी बनेगा, 0 बाय 0 फॉर्म भी बनती है तो भी आपने एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। तो नीचे आपका 2x बन गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर लिया, एक x से x कट गया, x की वैल्यू 0 पुट करने पे आपका आंसर 1 आ जाएगा, -1 उसके आगे लगाई हुआ है। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम। और ये क्वेश्चन क्या चीज है, इसको बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग की। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर उसका ए है और बेस बी है, I can write it like this, log of a upon log of b. Okay, so this is broken into this part. When we put 0, this is again infinity by infinity form, log 0 is infinity. But differentiate, upar wale ka derivative lag kijiye, niche wale ka derivative lag kijiye, 1 by sin x into cos x, 1 by sin 2x into 2 cos 2x. So, derivative each wale ka 2 ho jayega. So, inko rearrange kijiye. टर्म्स को, तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये साइन टू एक्स का फार्मूला खोल सकते हो, टू साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसा करने से साइन कट जाएगा, वो सिर्फ क्वेश्चन में कॉस बच जाएगा, और हमें पता है कॉस एक्स को चीज़ जीरो पे बना आंसर देता है, तो बड़ा आसानी से इसका आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवेलुएट दिस लिमिट एक्स को चीज़ टू इनफिनिटी। तो जब आप इसमें एक्स को इनफिनिटी पुट करोगे, तो ऊपर इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी, ई की इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी, ई की इन्फिनिटी जो होता है बेटा, सब बच्चे नोट कर ले, ई की इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, अगर ई की माइनस इन्फिनिटी कहीं बनता है
तो वो बेसिकली 1/∞ हो गया, वो आपका जीरो होता है। वो ये सारा गलत लिखा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन में ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म चल रही, दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो आपको क्या तरीका क्या, ऊपर डेरिवेटिव लग करेंगे 5x को, नीचे ex का डेरिवेटिव ex ही रहेगा, अगेन इट इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ऊपर वाले का डेरिवेटिव 4 आगे आ गया, 20x³ ex का ex ही रहेगा, अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। डेरिवेटिव किया 60x² / ex, अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ये रॉन्ग है, यहाँ पे गलती किया हुआ है, सारी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। 2 पावर आगे आ जाएगी, 120/x आ गया, ex ऐसे कैसे रहेगा, दोबारा किया 120/ex आ गया, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट किया, 1/∞ क्या होएगा, e⁻¹⁹, e⁻¹⁹ मैंने आपको बताया यहाँ पे जीरो होता है, दिस इज वे जीरो। तो वी गेट 120 × 0, इसका आंसर जीरो आ गया आपके पास। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिंपल डेरिवेटिव करके आपका आंसर निकल जाएगा। तो लास्ट एग्जांपल है x = इनफिनिटी, इट इज इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म, x को इनफिनिटी डाला गया, ऊपर डेरिवेटिव करोगे तो n आगे आ जाएगा, ऊपर से n-1 हो जाएगा, ex का डेरिवेटिव ex ही रहेगा, दोबारा डेरिवेटिव करोगे फिर n-1 n-2 है, इस तरह ये चलता जाएगा, क्योंकि ये x की पावर n है, तो हर बार एक एक पावर कम होती जा रही है, एंड में जाके कहीं पे एक ऐसा आएगा कि x की 1 बन जाएगी, जब x की 1 आगे आ जाएगी तो x की 0 हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो चलते चलते n n-2 आ जाएगा आफ्टर एन स्टेप्स। ठीक है, नीचे ई एक्स बढ़ा है, ई एक्स तो बड़ा ढीठ है भाई, इसका डेरिवेटिव जितनी मर्जी बारी करो उसमें ई एक्स ही रह रहा है, तो ठीक है नीचे ई एक्स आ गया, ऊपर आपका बन गया n·(e·x). ई की इन्फिनिटी पुट करोगे, आपको बताया गया ई की −∞ जो 1/∞ होता है, ई की −∞ 0 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर 0 आ गया। ये स्टेप ध्यान रखना है, ये वाला इसका क्वेश्चन का, जब डेरिवेटिव बार बार कर रहे हो आगे n-2 चलता जाएगा, पावरें कम होती जाएगी, एक स्टेप में क्या हो जाएगा कि x की 1 रह जाएगा एंड में जाके, तो जब 1 आगे लेके आओगे अगली बार x की 0 बन जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में आपका 1 आ जाएगा, इस तरह एक सीक्वेंस ऑफ नंबर बन जाएगी अप टू 1, तो ये आपका बनता है फैक्टोरियल का फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स, इट इज माई सेकेंड लेक्चर अबाउट चैप्टर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, प्लीज लाइक एंड शेयर माई चैनल वीडियोस, थैंक यू वेरी मच।